क्या फ्री फायर में रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर जाने का सपना देखते हो? तो फिर गाइस रेडी हो जाओ आज का वीडियो के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 100 करेक्टर कॉम्बिनेशन से 3 ऐसे करेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों के हैं। ये 3 करेक्टर कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट है सोलो में रैंक पुश करने के लिए। तो ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ मैं आप लोगों को सोलो में रैंक पुश करके दिखाऊंगा और कैसे इन 3 करेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करके आप लोग आराम से हर एक मैच को जीत के ग्रैंड मास्टर जा सकते हो, वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे सीक्रेट करेक्टर कॉम्बिनेशन को। तो हम लोगों का पहला करेक्टर कॉम्बिनेशन है राजवीर गेमिंग भाई का, और भाई के करेक्टर कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्लॉट में है आयरिस करेक्टर, उसके बाद पैसिव स्लॉट में है मारो, फ्रॉड और मीशा करेक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन लेके कैसे सोलो में आप लोगों को रैंक पुश करना है वो अभी आप लोग अच्छे से देख लो। तो इस कॉम्बिनेशन का मेन काम है गाइस ज्यादा से ज्यादा किल करके ज्यादा प्लस लेना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लैंडिंग करेंगे एकदम स्टार्टिंग में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं लैंडिंग कर रहा हूँ प्लेन के एकदम स्टार्टिंग में मार्स इलेक्ट्रॉनिक पर। और इधर से लैंडिंग करने के बाद एक दो किल अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो गाइस पूरा सर्वाइव करके खेलेंगे। तो इधर लैंडिंग करने के बाद मैं इस घर के अंदर आ गया, और इधर आने के बाद मेरे को शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों मिल गया। एंड उसी टाइम गाइस दूर में 2 बंदे के बीच फाइट भी स्टार्ट हो चुका था, जिसका फायदा उठा के मैं इधर से बंदे को डैमेज देता हूँ और बंदा कवर में चला जाता, जिसकी वजह से मैं पूरा रश कर देता हूँ उनके ऊपर, क्योंकि उधर फाइट चालू था मेरे को थर्ड पर निकलना था। तो एकदम सीधा चला जाता हूँ उधर और जाके एक बंदे को सामने देखता हूँ और उसको खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। एंड उसी टाइम गाइस एक बंदा मेरे को दूर से खतरनाक डैमेज दे देता है, आप लोग देख सकते हो आधा हेल्थ खत्म कर देता है। लेकिन मेरे पास जो करेक्टर कॉम्बिनेशन था स्पेशली फॉर की वजह से मेरा एचपी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, उसके बाद मैं कवर में चला जाता हूँ और जाके एक मेडिकेट मार अपना हेल्थ पूरा कर लेता हूँ, और उसी टाइम बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है, जिसका फायदा उठा के मैं बंदे को खतरनाक MP40 का डैमेज देता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसे करके मैं इधर 2 किल कंप्लीट कर लेता हूँ, और उसी वक्त मेरा हेल्थ फिर से खत्म हो जाता है, मैं फिर से मेडिकेट मारने जाता हूँ। लेकिन उसी टाइम एक बंदा ना हुकोंग मन एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, तो मैं उसको देख लेता हूँ लेकिन उसके पीछे नहीं जाता, मैं इधर ही थोड़ा सा वेट करता हूँ ताकि बंदा मेरे सामने आए। लेकिन बंदा मेरे सामने नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ बाहर से उसको मारने जाता हूँ, लेकिन उधर भी जाके मेरे को बंदा नहीं दिखता। उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद मैं सोचता हूँ इधर जो लूट बॉक्स गिरा है ना उनको अच्छे से लूट वूट कर लूं, तो मैं बिंदास उनको लूट रहा था। और उसी टाइम मैं देखता हूँ दूर में ना उस घर के अंदर एक बंदा, तो मैं तो उसको देख लेता हूँ लेकिन वो बंदा मेरे को नहीं देखता। तो मैं थोड़ा सा वेट करता रहता हूँ इधर ताकि बंदा मेरे सामने आए, लेकिन बंदा क्या करता इधर नहीं आता, बंदा उधर से पीछे से चला जाता, मैं फिर से कंफ्यूज हो जाता। उसके बाद मैं देखता रहता हूँ कहाँ पर है बंदा, और उसी टाइम देखता हूँ बंदा किसी को मार रहा है। तो मैं क्या करता हूँ पीछे से घूम के सामने जाता हूँ, और सामने जाके देखता हूँ बंदा एक बंदे को मार देता है, जिसके वजह से दूसरा बंदा डैमेज होता है, और उसका फायदा उठाने के लिए मैं बंदे को डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ, टाक से बंदा ग्लोअल मार देता है। लेकिन उसको क्या पता मेरे पास आयरिस था, जिसका यूज करके मैं ग्लोअल के 8 बार उसको मारता हूँ, जिसकी वजह से बंदे को ऊपर मार्क लग जाता है और मैं उसको इजिली स्पॉट कर लेता हूँ। बंदा इधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस इधर से जाके मैं बंदे को एक स्प्रे करता हूँ, बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसे करके मैं इजिली इस करेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से 3 किल उठा लेता हूँ। उसके बाद इधर से थोड़ा बहुत लूट वूट करने के बाद सामने मेरे को एक टुक टुक मिलता है, उसको मैं ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास मिशा करेक्टर होता है। और थोड़ा सा सामने जाने के बाद मैं देखता हूँ मार्स इलेक्ट्रॉनिक के साइड में एक मॉन्स्टर गिरा है, तो मैं डायरेक्टली जाके मॉन्स्टर ले लेता हूँ। एंड मॉन्स्टर लेके मैं सीधा चला जाता हूँ पिंग मेंडर मशीन में, और उधर से जाके मैं मशीन गन एक्स खरीदता हूँ। एंड उसके बाद फिर से गाड़ी लेता हूँ, और गाड़ी लेके सीधा आर्सेनल पर जाता हूँ क्योंकि मेरे पास होता है आर्सेनल का की। तो मैं आर्सेनल ओपन करके सबसे पहले लेवल 4 का वेस्ट लेता हूँ, उसके बाद हल्का हल्का लूट करके फिर से गाड़ी लेके इधर से चला जाता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेके थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद मैं देखता हूँ मिनी मैप पर एक बंदा सुपर एयरड्रॉप लूटता है, तो मैं गाड़ी लेके उधर ही जाने वाला होता हूँ, और उसी टाइम जाके देख उस बंदे को दूर से कोई बंदा मार रहा है और वो बंदा उस बंदे के साथ फाइट कर रहा है, जिसका फायदा उठा के मैं इधर से थर्ड पार्टी करता हूँ और उस बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ एंड इजिली उस बंदे को मार देता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी लेके सीधा उस बंदे के सामने चला जाता हूँ उस बंदे का लूट बॉक्स लूटने, और जाके मैं जल्दी जल्दी करके उस बंदे का लूट बॉक्स लूट लेता हूँ। फिर से मॉन्स्टर लेके इधर से निकल जाता हूँ क्योंकि उधर उसी टाइम एक बंदा आ जाता है गाड़ी लेके, और वो बंदा क्या करता है मेरे पीछे पीछे आने लगता है, और बंदा बहुत स्पीड से आता है, जिसको देख के मैं गाड़ी पूरा रोक देता हूँ और बंदा मेरे आगे निकल जाता है। और इसका फायदा उठा के मैं बंदे को मशीन गन एक्स से खतरनाक डैमेज देता हूँ और बंदे का गाड़ी फोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से बंदा खुले में आ जाता है और मैं उसको डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। और उसी टाइम बंदा ग्लोअल मार देता है, लेकिन मेरे आयरिस करेक्टर की मदद से उसको डैमेज फिर से देता हूँ। लेकिन उसी टाइम और एक बंदा घर के ऊपर से मेरा किल चोरी कर लेता है, और घर वाले बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको मार देने का मन करता है, लेकिन भाई लोग उसको थोड़ा सा स्पॉट नहीं कर पाता हूँ, जिसके वजह से मैं इधर टाइम वेस्ट ना करके फिर से मॉन्स्टर लेता हूँ और गाइस सीधा जोन के किनारे चले जाता हूँ, क्योंकि उधर से अभी बंदे लोग ना पैदल जोन रोटेशन करके आएंगे और भाई मैं उनको आराम से गाड़ी सुराऊंगा। तो ये दिमाग में रखते हुए मैं एकदम जोन के साइड चला जाता हूँ, और उधर जाने के बाद मैंने जो सोचा सेम टू सेम होता है, 3 बंदा खुले में पैदल जोन रोटेशन करके आता है और मैं बंदे लोगों के बीच में गाड़ी लेके घुस जाता हूँ। उसके बाद एक बंदा आने लगता है, उसको मैं खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर से उड़ाता हूँ और बंदा जाके नॉक हो जाता है, तो मैं गाड़ी फिर से उसके ऊपर उठाता हूँ और बंदे को फिनिश करता हूँ। उसी
टाइम देखता हूँ एक बंदा पेड़ के कवर में रहता है, उसके सामने भी गाड़ी लेके जाता हूँ लेकिन उसको मार नहीं पाता, तो मैं गाड़ी घुमा के फिर से आता हूँ, देखता हूँ बंदा बिंदास ग्लोअल की कवर में है, तो इस बार मैं उसको टक्कर मार देता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद और एक बंदा रहता है जो कि अर्सेनल के भीतर रहता है, मैं उसको गाड़ी से उड़ा नहीं पाता लेकिन बंदा मेरे को डैमेज देता है बहुत सारा, गाड़ी का पूरा हेल्थ खराब कर देता है, तो मैं गाड़ी लेके सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ और जोन के अंदर आते आते पीछे देखता रहता हूँ बंदा कब जोन के बाहर से अंदर आएगा। जब मैं देखता हूँ बंदा जोन के बाहर से अंदर आ रहा है तब मैं गाड़ी से उतर के बस एक गोली मारता हूँ, बंदा मर जाता है। तो इस तरह गाइस मैं इस बंदे को मार के 7 किल कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी लेके फिर से जोन के अंदर जाता हूँ और उसी टाइम देखता हूँ भाई साहब इतने सारे बंदे गाड़ी लेके घूम रहे, तो मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेता, मैं भी उन लोगों के साथ गाड़ी लेके घूमता रहता हूँ। सडनली सोचता हूँ कि साइड में जाके बंदे लोगों को डैमेज देके बंदे लोगों का गाड़ी तोड़ूंगा, तो ये सोच के मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ जोन के साइड में और साइड में जाके एक पिलर का कवर ले लेता हूँ एंड इधर से बंदे को देखने लगता हूँ और उसी टाइम दूर में एक बंदे का मॉन्स्टर देखता हूँ और उसको डैमेज देके फोड़ देता हूँ। उसी टाइम उधर दो बंदे के बीच फाइट होता है, तो मैं एक बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ लेकिन बंदा कवर में चला जाता है, तो मैं इधर से स्कोप ऑन करके उसको देखता रहता हूँ एंड उसी टाइम जोन भी आ जाता है और जोन इतना ज्यादा खतरनाक डैमेज देता है भाई उधर मैं समझने से पहले मर जाता हूँ। इस तरह का मेरा इजी बुया मैं मिस कर देता हूँ लेकिन मैंने 7 किल किया था इसलिए मेरे को अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। ये मैच खेलने के बाद मेरे को ये पता चलता है कि ये जो करेक्टर कॉम्बिनेशन है ना ये रश करने के लिए ठीक है लेकिन गाइस रैंक पुश के स्टार्टिंग में ना बहुत ही खतरनाक बंदे रहेंगे, तो उस टाइम आप लोग अगर रश करके गेम प्ले करोगे तो आप लोगों का माइनस होगा यार, आप लोग ग्रैंड मास्टर नहीं जा पाओगे। तो इसलिए गाइस ये करेक्टर कॉम्बिनेशन बाद में यूज करना, स्टार्टिंग में आप लोगों को सर्वाइविंग कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो इसलिए देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन को जो कि भेजे है शहीद भाई ने, और भाई का करेक्टर कॉम्बिनेशन में है एक्टिव स्लॉट में के करेक्टर और पैसिव स्लॉट में लुकेटा मिशा और फ्रॉड। गाइस बहुत ही खतरनाक सर्वाइविंग कॉम्बिनेशन है, तो गाइस अच्छे से देखना है इस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करना है सोलो रैंक पुश में। तो इस कॉम्बिनेशन का मेन खासियत है गाइस सर्वाइव करना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लैंडिंग करेंगे, उसके बाद एक दो किल करना है तो करेंगे, नहीं तो जोन के साइड में एकदम सर्वाइव करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी लेके मैं इस मैच को खेलूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं स्टार्टिंग में उतर चुका हूँ, तो इधर से मेरे को गन भी मिल चुका है और उसी टाइम एक बंदा भी मेरे साथ उतरा है और वो बंदा ऊपर की साइड था, तो मैंने तो उसको स्पॉट किया लेकिन बंदे ने मेरे को स्पॉट नहीं कर पाया अभी तक, तो मैं उसको स्पॉट करके एकदम सामने चला गया, सामने जाके बंदे को ढूंढता रहा लेकिन गाइस बंदा मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मैं इधर से गया और इधर से जाने के बाद देखा बंदा भाग के ना सामने वाले घर के अंदर जा रहा है, मैं उसको हल्का सा डैमेज दिया और उसके पीछे पीछे गया और उसके पीछे जाने के बाद देखा गाइस बंदा ना ऊपर उठ चुका है और गाइस ग्लोअल मार के मेरे को ब्लॉक कर दिया है, तो मैं ऊपर नहीं उठा मैं नीचे रहा और बंदे का वेट कर रहा था कब बंदा नीचे आए। तो भाई लोग मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, सोलो मैच के स्टार्टिंग में ना आप लोगों को ऐसे करके कभी भी डरना नहीं है, आप लोगों को हमेशा एक मिनट के अंदर फाइट करने का ट्राई करना है क्योंकि एक मिनट में मरोगे तो फिर से रिवाइव होने का चांस आप लोगों को मिलेगा, तो ये चीज हमेशा याद रखो। उसके बाद इधर थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद बंदा ऊपर से नीचे आया, जब नीचे आया मैं उसको हल्का सा डैमेज दिया, बंदे ने ग्लोअल मारा और ग्लोअल मार के पीछे से भागने लगा जिसका फायदा उठा के मैंने उसको खतरनाक हेड कनेक्ट किया और इजिली मार दिया। तो इस बंदे को मारने के बाद फर्स्ट किल कंप्लीट हुआ, जाके उस बंदे का लूट बॉक्स लूटा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखने लगा क्योंकि मेरे को पता था कि ये बंदा इधर ही उतरेगा, जैसा मैंने सोचा सेम वो बंदा इधर ही उतरा, तो मैंने ऊपर से ही उसको देख लिया, उसके बाद उसके सामने चला गया लेकिन जाके देखा बंदा फिर से घर के अंदर जाके ऊपर चढ़ गया, तो मैं घर के अंदर नहीं गया मैं इधर से ही उसको स्पॉट करने का कोशिश किया, तो इधर से थोड़ा सा सामने जाने के बाद मैं बंदे को स्पॉट ही कर रहा था, उसी टाइम बंदा ना खिड़की से मेरे को मारने के लिए आया लेकिन भाई उसको क्या ही खतरनाक मैंने डैमेज दिया और इजिली फिनिश कर दिया। तो इस बंदे को दो बार मारने के बाद मेरा हो गया था 2 किल कंप्लीट। उसके बाद अच्छे से इस बंदे का लूट बॉक्स लूटा एंड इस पूरे जगह को अच्छे से लूटा, बहुत टाइम तक सर्वाइव किया एंड उसके बाद देखा कि टॉप 20 पर मैं पहुंच चुका हूँ। तो मैं थोड़ा सा सामने जाने के बाद मेरे पास मॉन्स्टर का एयरड्रॉप था, उसको मंगा के मॉन्स्टर लेके मैं जोन रोटेशन मारने लगा और जोन रोटेशन करके जोन के अंदर जाने के बाद मैंने देखा अर्सेनल के सामने एक बंदा जा रहा है जिसको मैंने गाड़ी से रखकर मारा और डैमेज दिया लेकिन बंदा दूर जाके ना फटाक से ग्लोअल मार दिया, तो मैं गाड़ी लेके उसके सामने गया लेकिन बंदा घर के अंदर था और उसी टाइम जोन भी आ रहा था, तो मैं इधर रिस्क नहीं लिया गाड़ी घुमा के सीधा जाने लगा लेकिन बंदा ना मेरा गाड़ी को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था, तो मैं जैसे तैसे करके गाड़ी लेके जोन के अंदर आने लगा और बंदा पीछे से बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था, तो मैंने सोचा उसको मैं मारूंगा कुछ भी हो जाए, तो मैं थोड़ा सा जोन के अंदर आने के बाद एक घर का कवर लिया और थोड़ा सा इधर वेट किया और देखने लगा बंदा कैसे आ रहा है, तो मैंने देखा एक गाड़ी लेके एक बंदा गया तो मैं उसको इग्नोर किया लेकिन जो बंदा मेरे को डैमेज दे रहा था ना वो पैदल आ रहा था, तो मैंने उसको स्पॉट कर लिया और बंदे को खतरनाक
डैमेज दिया और बंदे ने फटाक से ग्लूअल मार दिया, लेकिन मैंने उसका ग्लूअल तोड़ने की कोशिश की। उसी टाइम बंदा निकल के मेरे को मारने लगा और इसका फायदा उठा के मैंने बंदे को खतरनाक डैमेज दिया और इजिली फिनिश कर दिया। और गाइस मैं ये फाइट कर रहा था जोन के बाहर, लेकिन मेरे को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास के कैरेक्टर और फोर्ट कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन था। उसके बाद मैं फिर से मॉन्स्टर लिया और इधर से सीधा जोन के अंदर आया, और जोन के अंदर आने के टाइम ही देखा जोन के किनारे पे ना दो बंदे के बीच खतरनाक फाइट हो रहा है। तो मैं तो भाई थर्ड पार्टी करने के लिए पागल हो गया, लेकिन बंदे लोग ऐसे पोजीशन लेके बैठे थे ना उनको मारना पॉसिबल नहीं था। तो मैं उनको मारने के लिए थोड़ा सा गया, लेकिन दोनों मिलके मेरे गाड़ी को कितना ज्यादा डैमेज दे रहा था आप लोग देख सकते हो। तो मैं दोनों बंदे को इग्नोर करके एकदम सीधा एक घर के सामने आ गया, और घर के सामने आके एकदम फटाक से घर के ऊपर चढ़ गया क्योंकि इधर से थर्ड पार्टी मैं आराम से कर पाऊंगा क्योंकि कवर है। एंड इधर से मैं बंदे लोगों को स्पॉट करने लगा, लेकिन एक बंदे को मार देता है और एक बंदा जोन के बाहर से अंदर आता है। मैं खतरनाक डैमेज देता हूँ उसका ग्लूअल तोड़ के, उसको खतरनाक फिर से डैमेज देता हूँ, लेकिन बंदा बहुत ही ओपी तरीके से बच रहा था। लेकिन मैं वेट कर रहा था बंदा इधर से भागेगा क्योंकि जोन आ रहा था उसके पीछे। जब भी बंदा जोन के बाहर से भाग रहा था मैंने उसको फिर से डैमेज दिया और गाइस इस बार पूरा ही नॉक कर दिया एंड बंदे को पूरा लास्ट में डैमेज दी इसलिए मार दिया। तो इसको मारने के बाद मैं गाड़ी लिया क्योंकि मैं भी जोन के बाहर था और फटाक से उस बंदे के सामने गया क्योंकि उसके पास ना इंजेक्शन था। तो इधर से इंजेक्शन मैंने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर से मॉन्स्टर लिया, सीधा जोन के अंदर जाने लगा। भाई ऐसे करके जोन के बाहर में फाइट कैसे कर रहे हो आप लोग देख सकते हो सिर्फ ये सर्वाइविंग कॉम्बिनेशन की मदद से। तो उसके बाद मैं इधर से एकदम सीधा जोन के अंदर आया, और जोन के अंदर आने के बाद साइड में एकदम मिडिल पे नहीं साइड में एक घर का परमानेंट कवर लेके ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के मैं बंदे लोगों को स्पॉट करने लगा क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बंदे ना पैदल आएंगे जोन रोटेशन मार, जिनको मारने का मेरे को बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा। तो जैसा सोचा ऐसा ही एक बंदा जोन के बाहर से पैदल आया और आके एक बंदे के साथ फाइट करने लगा दो, जिसको मैंने स्पॉट कर लिया और थर्ड पार्टी करके एक बंदे को खतरनाक डैमेज। बंदे ने ग्लूअल मारा लेकिन मैंने इजिली उस बंदे को ग्लूअल तोड़ के मार दिया। इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो गया था गाइस 5 किल कंप्लीट। उसके बाद और एक बंदे को इधर से देखा, उसको भी मैंने हल्का सा डैमेज दिया, लेकिन उसी टाइम जोन भी आ रहा था और जो सेफ जोन है ना वो थोड़ा सा सामने गिरा। तो मैं थोड़ा सा इधर वेट करने के बाद एक स्कैनर छोड़ा क्योंकि मेरे को देखना है बंदे का पोजीशन। तो स्कैनर छोड़ने के बाद देखा सामने ही बंदा है, मैं डायरेक्टली नीचे चला गया क्योंकि अभी ना सिर्फ 3 बंदे अलाइव थे मेरे को लेके, मतलब 2 बंदे है सामने। तो मैं गाड़ी लेके सीधा जोन के अंदर जोन रोटेशन मार के चला गया। जाने के बाद मेरे को और एक मॉन्स्टर मिला जो कि एकदम अच्छा था, तो मैंने वो मॉन्स्टर लेके ना सीधा जोन के अंदर गया। और जाने के बाद सामने 2 बंदे के बीच फाइट हो रहा था, एक बंदे को तो मैंने टक्कर मार के इजिली मार दिया, और लास्ट वाला जो बंदा था ना वो घर के अंदर था, उसको मैं मारने गया लेकिन मार नहीं पाया। तो मैंने सोचा इधर रहूंगा तो वो मेरा गाड़ी फोड़ेगा, तो मैं गाड़ी लेके सीधा घर के साइड में चला गया क्योंकि मेरे को पता है जोन मेरे साइड है, वो बंदा तो जोन के अंदर आएगा ही। तो ये सोच के गाड़ी लेके इधर आके मैं रुक गया और बंदे को स्पॉट करने लगा, लेकिन बंदा कहां से कैसे आया कुछ समझ नहीं आया, बंदा मेरे सामने आ चुका था। तो मैं गाड़ी घुमा के उसको ढूंढने लगा लेकिन बंदा नहीं मिल रहा। एंड उसी टाइम मैंने देखा ड्रैकी पैड की मदद से बंदे को, बंदा एकदम घर के अंदर चुपके से मेडिकेट मार रहा है बैठ के। तो मैंने बंदे को स्पॉट कर लिया और ग्रेनेड का डैमेज दिया उस बंदे को, लेकिन बंदा शाना था बहुत ही ओपी तरीके से बच गया और बच के क्या किया घर के ऊपर चढ़ गया। तो मेरे पास था मॉन्स्टर, मैं तो डर नहीं रहा था क्योंकि मेरे को वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं थोड़ा सा वेट करके मैं गाड़ी से उतर गया और उतर के एक ग्रेनेड ऊपर मारा, लेकिन बंदे को डैमेज नहीं आया। तो उसी टाइम जोन भी आ रहा था, बंदे को तो नीचे आना ही था, तो मैं गाड़ी पे ही बैठा रहा। एंड जैसे ही बंदा ऊपर से नीचे आया मैं गाड़ी लेके सीधा उसके सामने गया और बंदे को गाड़ी से टक्कर मार के जोन के बाहर फेंका एंड गाड़ी से उतर के एक स्प्रे किया, बंदा फिनिश। तो ऐसे करके गाइस इस मैच को मैंने इजिली बुया कर लिया इस के कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन के साथ। भाई साहब ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है सोलो रैंक पुश के लिए। ये कॉम्बिनेशन लेके आप लोग स्टार्टिंग में गेम प्ले कर सकते हो। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमारे जो थर्ड कॉम्बिनेशन है उसको। तो ये कॉम्बिनेशन भेजे हमारे यूजर XT5 ने, और भाई का कॉम्बिनेशन में मेन जो कैरेक्टर है एक्टिव स्लॉट में वो है गाइस सैंटेनो कैरेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। पैसिव स्लॉट में लिया है भाई ने काइरोस, मीशा और मैक्सिम। भाई बहुत ही ओपी कॉम्बिनेशन है सोलो रैंक पुश में। तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करना है सोलो में आप लोग अच्छे से देखो क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ओपी है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इस मैच में स्ट्रेटेजी बनाया है कि मेरे को अभी सर्वाइव करके अच्छे से लूट वूट करना है, स्टार्टिंग में फाइट नहीं लेना। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में फाइट करने की बात क्यों नहीं बोली, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की मदद से हम लोग जोन के बाहर नहीं रह सकते। तो पहले हम लोगों को अच्छे से लूट वूट करना होगा। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में एकदम ऐसी जगह पर उतरा हूँ जहाँ पर अच्छा खासा लूट हो लेकिन बंदे ना हो। तो ये जगह मैप के एकदम साइड में था, इधर कोई नहीं आया था, तो मैं इधर आके एकदम अच्छे से जो जो मेरे को चाहिए था सब कुछ मैंने लूट लिया। तो इधर से अच्छा खासा लूट करने के बाद मैं सामने गया और जाके एक बाइक ले लिया क्योंकि मैं मीशा कैरेक्टर इस कॉम्बिनेशन में लिया हूं। और बाइक लेके सीधा चला गया जोन के मिडल पर, और जाने के बाद मैंने देखा 2 बंदे के बीच फाइट हो रहा है, तो मैं बाइक लेके सीधा घुस गया थर्ड पार्टी करने। इधर आके बंदे के एकदम सामने आ जाता हूं मैं, उतर के उसको मार नहीं चाहता हूं, लेकिन दूर से भी और एक बंदा मेरे को डैमेज देना स्टार्ट कर देता। तो मैं फटाक से ग्लूअल का पैक लगाता हूं, उसके बाद थोड़ा सा पीछे जाके बाइक लेता हूं और एक मेडिकेट मार के सीधा साइड में जाता हूं, और साइड में जाके कवर लेके मैं बंदे को स्पॉट करता हूं। देखता हूं सामने वाला बंदा ग्लूअल का पूरा पैक लगा के अंदर मेडिकेट मार रहा है,
तो इधर से मैं अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। मैं सबसे पहले सेंटेनो कैरेक्टर का स्टैचू से उठता हूँ, उसके बाद सीधा चला जाता हूँ सामने वाले बंदे के ऊपर। सामने जाके पत्थर के ऊपर उठ के बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद फटाक से सेंटेनो का यूज करता हूँ और टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह चला जाता हूँ। दूर से जो बंदा था ना, वो मेरे को समझ नहीं पाता मैं कहाँ पर हूँ। वो दूर से ग्लोअल को फोड़ रहा था, जिसका फायदा उठा कि मैं इधर से जाता हूँ और बंदे को स्पॉट करता हूँ और खतरनाक डैमेज देके इसको भी मार देता हूँ। तो ऐसे करके ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की मदद से मैं इधर इजिली 2 किल निकाल लेता हूँ। एंड इधर से हल्का वल्का लूट के मैं फिर से बाइक लेता हूँ और सामने जाने के बाद मेरे को मॉन्स्ट्रक मिल जाता है। मैं मॉन्स्ट्रक उठा लेता हूँ। तो मॉन्स्ट्रक लेके थोड़ा सा सामने जाने के बाद देखते हूँ एक बंदा बैठ के लूट रहा है, जिसको मैं खतरनाक मॉन्स्ट्रक का टक्कर मारता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो इसको मारने के बाद मेरा 3 किल होता है। इसको हल्का सा लूट के फिर से मॉन्स्ट्रक लेता हूँ और निकल जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा सामने जाने के बाद मेरे सामने एक बंदा आ जाता है, तो मैं गाड़ी से उतर के उसको मारने लगता हूँ, डैमेज भी दे देता हूँ, लेकिन बंदा भी मेरे को मारने लगता है। और उसी टाइम दूर से भी और एक बंदा मारता है। तो भाई इधर मैं ग्लोअल का पूरा पैक लगा लेता हूँ और इधर से सेंटेनो का स्टैचू छोड़ता हूँ और इधर से बंदा गुकोंग बन के मेरे सामने आता, तो इसको हल्का सा डैमेज देता हूँ। उसके बाद टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे जाके मैं फिर से डैमेज देता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। एंड उसी टाइम और एक बंदा आ जाता है, तो मैं कवर में जाके फिर से टेलीपोर्ट होकर सेंटेनो की मदद से गाड़ी के सामने आ जाता हूँ और गाड़ी लेके इधर से सीधा निकल जाता हूँ। और गाड़ी में बैठ के मैं देखता हूँ बंदा ऊपर है, तो मैं उसके साथ फाइट नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ, गाड़ी लेके एकदम सीधा कवर में चला जाता, जाके घर का परमानेंट कवर लेके बैठा रहता। मेरे को बताया बंदा इधर से उतरेगा और जोन के अंदर आएगा, तब मैं उसको मारूंगा। तो बंदा समझता है मैं इधर से भाग चुका हूँ, तो इस कारण बंदा ऊपर से नीचे आता है और सामने आने लगता है, जिसका फायदा उठा के मैं बंदे को खतरनाक डैमेज देता हूँ और इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा 5 किल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हल्का सा इसको लूटता हूँ, फिर से गाड़ी लेता हूँ और इधर से निकल जाता। उसके बाद गाड़ी लेके जोन के अंदर जाने लगता हूँ, लेकिन 2 बंदा पीछे से खतरनाक डैमेज देते हैं मेरी गाड़ी को और मेरी गाड़ी फोड़ देता है। तो मैं एकदम नीचे आ जाता हूँ, आके एकदम देखते रहता हूँ बंदा कहाँ पर है, लेकिन बंदे को मैं स्पॉट नहीं कर पाता। तो मैं लेफ्ट साइड चला जाता हूँ और उधर जाके बंदे को स्पॉट करने लगता हूँ, लेकिन उसी टाइम बंदा कवर से निकल के मेरे को भी डैमेज दे देता है। तो मैं फिर से कवर में आके रुक जाता हूँ। उसी टाइम मैं सेंटेनो कैरेक्टर का एबिलिटी यूज करता हूँ नीचे जाने के लिए, क्योंकि इधर से जोन भी आ रहा था और 2 बंदे भी आ रहे थे। तो मैं सामने एक बंदा देख लेता हूँ, उसको मैं खतरनाक हेड मार के इजिली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेंटेनो का यूज करके नीचे चला जाता हूँ टेलीपोर्ट होके। उसके बाद नीचे जाने के बाद देखता हूँ ऊपर से एक गाड़ी भी आ रहा है और एक बंदा भी आ रहा है, तो मैं उनको मारने के लिए इधर ही रुक जाता हूँ एंड ऊपर देख लेता हूँ एक बंदे को, जिसको मैं खतरनाक तरीके से स्पॉट करता हूँ और इजिली फिनिश कर देता हूँ। तो इस बंदे को मारने के बाद मेरा हो जाता है 7 किल कंप्लीट और अभी बस 3 बंदे अलाइव थे। तो गाइस मैं एकदम कवर लेके जोन रोटेशन करके एकदम जोन के किनारे चला जाता हूँ और जाके इस घर का परमानेंट कवर लेके बैठ जाता हूँ। एंड जब देखता हूँ जोन एकदम स्ट्रिंग हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो मैं एकदम साइड से सामने चला जाता हूँ, सामने जाके इस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर चढ़ के बंदे को स्पॉट करने लगता हूँ। तो देखता हूँ एक बंदे को मार देता है, मैं इधर ही थोड़ा सा वेट करता हूँ। उसके बाद जोन धीरे धीरे छोटा होने लगता है और सामने सिर्फ एक बंदा था जिसको मारने से मेरा भुया हो जाता, लेकिन वो बंदा बहुत ही तगड़ा बंदा था क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा था। तो मैं उसके साथ फाइट करने नीचे नहीं जाता, मैं इधर ही रुकता हूँ। और उसके बाद जोन भी एकदम छोटा होने लगता है और वो बंदा भी मेरे घर के नीचे आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा भी मतलब रिस्क नहीं लेता, इधर ही रुका रहता हूँ। उसके बाद जब जोन एकदम छोटा हो जाता है, तब मैं इधर एक ग्लोअल मारता हूँ, इधर सेंटेनो का स्टैचू छोड़ के मैं नीचे जाता हूँ। बंदा मेरे को डैमेज देने आता है, मैं फटाक से टेलीपोर्ट होकर ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आने के बाद बंदे को फिर से डैमेज देता हूँ ऊपर से, और बंदा कवर में चला जाता है। तो मैं नीचे जाके खतरनाक एक स्प्रे करता हूँ और बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो ऐसे करके इस कॉम्बिनेशन की मदद से इस खतरनाक बंदे को लास्ट में मार के बुया ले लेता हूँ। तो मैं गाइस आप लोगों को 3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ गेम प्ले करके दिखाया हूँ। आप लोगों का काम है मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आप लोगों को बेस्ट लगा। सो गाइस यही था वीडियो आज का। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।